तुम एमन की मां नहीं बनना चाहती थी, इसलिए तुम्हें शादी से इनकार कर दिया। और मुझे मुझे वो आपके सामने पेश कर दिया। आपकी कसम से ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती थी। बस करो अपनी डिटाई, और कितने झूठ बोलोगी? मुझे सब बता दिया आयशा ने, एक एक सच। अरे असगर बड़ा अच्छा बच्चा है, बहुत खुश रखेगा तुम्हारी बेटी को। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही? तो फिर इतना क्या सोच रही हो? मैं नाज के लिए तो तुम्हारी अपनी पसंद थी। बस बिस्मिल्लाह करो। और नहीं तो क्या आंटी, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह। काजी साहब बिस्मिल्लाह करें और थोड़ा जल्दी। हाँ चलो भाई, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जा रही हैं आप? मैं नाज को रुखसत करा के नहीं लेके जाएंगी? अरे आंटी 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 उदास ना हो, मैं नाज तुम लोग को छोड़कर कहीं नहीं जा रही, हम लोग यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। क्यों किया तुमने ऐसा कि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या बिगाड़ा था उससे तुम्हारा? क्या ये काफी था कि उसने आपसे शादी का सोचा? क्या हुआ क्या हुआ, मुंह क्यों लटक गया? जब हिम्मत नहीं है तो ऐसी बातें करती क्यों है? हैं? अब मैं तेरा शौहर हूं। क्या हूं? शौहर। मेरे हिसाब से तुझे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी।